हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी आप सबके दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। लास्ट ब्लॉग में आप सबने बहुत सारी दुआएं दी थी कि तबीयत ख़राब थी हमारी, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ। बच्चों को थोड़ी थोड़ी सी खांसी है, तो बस बच्चे भी इंशाल्लाह ताला टाइम के साथ बेहतर होते चले जाएंगे। और यहाँ मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ सहरी की, तो सहरी में मैं बना रही हूँ पराठे और मैंगो का मिल्क शेक बनाऊँगी और हाफ़ फ्राई एंड चाय, बस यही होगा। और मैं तो ब्रेड खाऊंगी क्योंकि अभी मुझसे इतना ज़्यादा मतलब नहीं खाया जा रहा, तो पराठा जस्ट मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। मैं जो खाऊंगी वो ब्रेड के साथ खाऊंगी जस्ट सी। और हाँ, मैं आपसे आज 10 मुहर्रम की रूटीन शेयर कर रही हूँ। 9 मुहर्रम का रोज़े की रूटीन नहीं शेयर कर पाई थी, तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी तबीयत बेटर है। सोचा आप लोगों से कुछ रूटीन शेयर करूँ अपनी। तो 10 मुहर्रम का आज मैं रोज़ा रख रही हूँ, तो उसी की ही रूटीन मैं आपसे शेयर करूँगी कि आज के दिन मैंने क्या क्या किया। और बस यहाँ पे सहरी हम कर चुके थे, उसके बाद नमाज़ वमाज़ का टाइम था, सो नमाज़ पढ़ रहे थे। बस यही था कि बच्चे को उठने से पहले पहले इबादत वगैरह जो कर सकते हैं वो कर लें, और उसके बाद जो है फिर क्लीनिंग वगैरह करके फिर नॉर्मली जो हम सो जाते हैं सहरी के बाद, बस सो जाएंगे। हस्बैंड ने ऑफिस भी जाना था। आप उठ गई? क्या करोगी इतनी सुबह सुबह उठ के? कार्टून देखोगी? निक्की का। देखोगी? निक्की है मिलाद? वो कौन है, फ्रेंड है आपके? फिर क्यों देखोगी उन्हें? आपने क्या क्या लिया है बेटा? ये टॉयज तो आपके मुझे कम नजर आ रहे हैं। क्या क्या चीजें हैं आपके पास? पापा न्यू लाए हैं, पापा बहुत डांटेंगे बेटा। ये न्यू है, पापा ने यूज भी नहीं किया, पापा बहुत मारेंगे। पापा को दो। लो, फिर निकाल लोगे तुम दराज से? पापा भाई सो रहा है। पापा वॉशरूम में, अल्लाह अल्लाह पढ़ेंगे। मम्मा पापा को पहन के दिखाओ। निक्की लगाऊं? सुबह सुबह टीवी कौन देखता है? बिया। बिया देखती है मम्मा? निक्की लगाए बिया का? आ रहा है, आ रहा है, निक्की भी आ रहा है। आज मैं बनाऊंगी दही बड़े, तो उसके लिए मैं ये दाल भिगो के रखी हूँ। थोड़ी सी मैंने मूंग की दाल ली है येलो वाली, और थोड़ी मैं लूंगी माश की दाल वाइट वाली। तो न्यू दाल रखी थी, इसको मैंने निकाली भी नहीं है। थोड़ी सी जो है ये मैं माश की दाल इसमें ऐड करूँगी। बस अब इसको अच्छे से धो के भिगो के रख दूंगी शाम तक के लिए। इसको ज़्यादा भिगोना पड़ता है, वरना जो है ना ये अच्छे से फिर बनती नहीं है। इसको अगर आपने बनाना है अवतार में, तो आप सहरी में ही जो है इसको भिगो के रख दें, और अवतार के टाइम तक ये बहुत बहुत अच्छे से जो है ना ये मतलब कि सॉफ्ट हो जाएगी और बहुत मज़ेदार सी भी बनेगी। तो अब तक जो मैंने आपसे शेयर किया था वो तो था मेरा सहरी का सारा रूटीन, और अब मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैं अवतार में क्या बनाने वाली हूँ। सो अभी हस्बैंड आ चुके हैं और ऑफिस से, सो अभी मैंने जो दाल भिगो के रखी थी सबसे पहले, तो मैं उसको पीस लूँगी। सो अब मैं उसको पीसने लगी हूँ, तो जो दाल भिगोई हुई थी वो मैं ऐड कर रही हूँ जग में। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी साबुत अदरक, किसी भी अदरक नहीं लेनी मैंने, साबुत अदरक यहाँ पे ली है। और इसमें मैं ऐड करूँगी साबुत लाल मिर्च। अब ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा ज़ीरा, तकरीबन मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है ज़ीरा, ये मैंने ऐड कर दिया। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा सॉल्ट, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें वाटर ऐड करूँगी एंड देन इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो मैं सस्ती हो गई मशीन से करा, तो सस्ती हो गई। हाँ
अच्छा तो ये पूरा जो मैंने ब्लेंड किया है ब्लेंडर में दिखाने का रीज़न जस्ट यही था कि देखिए मेरा पानी कितना कम ऐड किया, उसके बावजूद भी हर चीज़ देखिए पिस चुकी है। पानी आपने इसको देखते हुए ऐड करना है कि आपकी दाल कितनी है और आपने पानी कितना लेना है। पानी जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा आपका जो है ये ज़बरदस्त सा बन जाएगा। और साथ ही मैं यहाँ पे पकौड़े की प्रिपरेशन कर रही हूँ। पकौड़ों के लिए जो है मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं बेसन नहीं लेना है आज, बेसन के पकौड़े नहीं बनाऊंगी मैं। जिस तरह से पकौड़े बनाऊंगी वो आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप सबने जो है ये वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको पता लगे कि मैं पकौड़े किस चीज़ के बनाने वाली हूँ। वो जस्ट आलू से ही बनेंगे, उसमें मैं कोई भी बेसन यूज़ करने वाली नहीं हूँ। तो उसके लिए जो है मैंने आलू यहाँ पे गलने के लिए रख दिए थे और थोड़े बहुत कनी थी आलू में, तो मैंने कहा थोड़ी देर इसको भी और रख देते हैं। आलू को गलने में थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा कि जो है अभी मैं प्रिपरेशन कर लेती हूँ कि जो मैंने दाल पिसी हुई है उसके दहीबड़े बना लेती हूँ, उसको तैयार करके रख देती हूँ। और बस जस्ट मैं उसको फ्राई करने के लिए लगी रख रही हूँ अभी। सो मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है और अब मैं ऐड करूँगी इसमें जो दाल मैंने पीस कर रखी हुई थी। इस तरह से आपने एक स्पून लेके इसको गोल गोल शेप में आपने जो है फ्राई करने के लिए रख देना है। और बस मैंने ये स्पून डाल के चेक कर रही हूँ नीचे से कि नीचे से अच्छे से कुक हुआ है या नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा सा गीला था तो मैंने पूरा नहीं किया। इसमें अगर आप पूरा स्पून एक साथ डाल देंगे तो ये ऊपर से भी टूट जाएगा, वो बात ही रहेगी। बिल्कुल केयरफुल हो रहा है कि जो है ना इसको पलटना पड़ता है और पहले तो चेक करना पड़ता है कि यार ये अंदर से नीचे से पहले कुक हुआ है या नहीं हुआ है। फिर उसके बाद दो स्पून के हेल्प से जो है ना आप लोगों ने इसे पलटना होता है। सेम जो है वो ऐसे ही सेकंड साइड से भी हम इसको कुक करेंगे अच्छे से और ये ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। सो बस हम इसको निकाल के जो है वाटर में डिप कर देंगे। यहाँ मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया और उसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया है, हिला लिया है। और जो है मैं अब इसमें ऐड करूँगी जो मैंने फ्राई करके रखी हुई है, इसको सबको मैं जो है वन बाय वन करके ऐड कर दूँगी वाटर में और इसको थोड़ी देर के लिए डिप करके ही रख दूँगी। जब तक वो पानी में डिपते तो मैं यहाँ पे अब पकोड़े की तैयारी कर रही हूँ। पकोड़े के लिए जो मैंने आलू उबालने के लिए रखे हुए थे सब आलू अच्छे से बॉईल हो चुके हैं और अभी ये बहुत गर्म हो रहे हैं, तो इसमें जो है मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे रखूँगी, उसके बाद जो है इसको अच्छे से मैश कर लूँगी। और मैं यहाँ बनाने लगी हूँ चने की दाल, फ्राई दाल। मेरे हस्बैंड को पसंद है तो उन्होंने चने बनाने को मना कर दिया था सुबह ही, सो मैंने फिर सुबह चने नहीं भिगोए थे। चने की दाल तो थोड़ी देर में बन जाती है, तो उनकी फरमाइश पे जो है मैं फ्राई चने की दाल बना रही हूँ जो कि उनको बहुत पसंद है मेरे हाथों की बनी हुई। तो बस जस्ट उसी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, उसमें मैं चने की दाल जो है वो उबालने के लिए रख रही हूँ। चने की दाल मैंने उबालने के लिए रख दी थी और जस्ट यहाँ पे जो मैंने आलू निकाल के रखे हुए थे उसे अब वो थोड़े से ठंडे हो चुके थे, तो मैं अब उसको अच्छे से मैश कर लूँगा। अभी भी थोड़ा मुझे गर्म लग रहा है और ग्लव पहनने के बावजूद भी गर्म गर्म थे, आप देख सकते हैं कैसे अभी भी धुआं जो है आलू से निकल रहा है। सो अब इसको इसी तरह से जो है मैश कर लेंगे बहुत अच्छे से। ओके सो अब इसमें ऐड करेंगे अनियन, अनियन देखिए मैंने बहुत बारीक कटी हुई ली है और ये ग्रीन चिली, ये दोनों इस पर ऐड कर लेंगे। मैंने दो मीडियम साइज़ की ली है प्याज और तीन मैंने ग्रीन चिली ली है। ओके इसको अच्छे से जो है अब हम मिक्स कर लेंगे। वन टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, रेड क्रश चिली स्पून, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेंगे, वन टेबलस्पून धनिया पाउडर। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा सा इसमें पुदीना ऐड कर देंगे। यहाँ पे जो है मैं ऐड करूंगी टू एग्स, दो अंडे यहाँ पे मैं ऐड करूंगी। अब इस सबको अच्छे से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
सब अच्छे से मिक्स हो चुका है। और अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 से 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप मैदा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बस अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, उसके बाद जो है मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, देन जो है फिर हम इसको फ्राई करेंगे। और दही बड़े के लिए जो फुलके मैंने बनाई थी वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी थी, तो अब बस मैं उसको अब निकालने लगी हूँ। ये हो गए हैं रेडी। अब अच्छा तो मैं पुदीने की चटनी बनाने लगी हूँ, तो उसके लिए मैंने लिया है ये पुदीना ले लिया है मैंने, और ग्रीन चिल्ली ली है 4, और नमक लिया है सॉल्ट ले लें टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये ज़ीरा है सफ़ेद ज़ीरा लिया है मैंने 1.5 टेबल स्पून, और ये एक पूरी मैंने लहसुन की गड्डी जगह जैसे कह लेते हैं वो लिया है। ओके तो अब हम इसको पीस देते हैं मिक्सी में। अब बनाती हूँ मैं दही, इसका रेडी कर लेती हूँ फ्लेवरों का। और ये जो मैंने बनाना सीखे है ना, ये मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखे है, ये उनकी रेसिपी है और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं, और मेरे अब्बू को भी पर्सनल जो है ना यही पसंद है, माश की दाल के थे बड़े, मेरी दादी भी बनाती थी, तो ये मैंने इसमें ऐड कर ली है सॉस। फ्रेश मिल्क है मेरे पास, तो मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी। अरे मेरे बच्चे पीछे से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, टीवी में जो भी आता है बस देख देख के उसको रिपीट करते रहते हैं, और बस हो गया ये अच्छे से। इससे ज़्यादा पतला मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, वो ज़्यादा पतला जो है ना दही उनको पसंद नहीं है। और बस अब मैं इसमें 1 by 1 करके फुलका डालने लगूँगी, फुलका डाल देते हैं। कुछ चम्मच इतना नहीं चलाएं कि ना ये टूट जाए, ठीक है। वैसे मैं क्या करती हूँ, पहले फुलका डाल देती हूँ, उसके बाद मैं दही डाल देती हूँ, लेकिन अभी बस जल्दी जल्दी मुझे है ना मैंने इसका ना आप लोगों को दिखाने के लिए डाल दिया है, और वैसे ये खुद भी डिप हो जाते हैं, और चाहें तो इस तरह से एक दफ़ा इसको अच्छे से हिला लें। ठीक है, इस तरह से ये डिप हो गया, बाकी ये सारा जो दही है पी जाते हैं, बट इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है पूरा जो ये दही पी जाते हैं ना। और आप सबने लाजमी बनाना, मुझे बताना है कि कैसी बनी है, और अगर आप में से कोई ये बनाता है तो मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी देखते हैं चने की दाल कहाँ तक पहुँची है, ये तो हमारा रेडी है। अच्छा, और ये जो दाल है ये भी इसमें थोड़ी सी कनी है, हल्की सी बिल्कुल मामूली सी कनी है। अच्छा, मेरे जो मियाँ जी हैं ना वो क्या करते हैं कि उनको चने की दाल हो या चने जो हम बनाते हैं वो बिल्कुल हलवे चाहिए, मतलब उनमें थोड़ा सा भी जो है ना हल्का सा भी कनी नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं भले मसाले नहीं डालो, कुछ भी नहीं डालो मसालों में, लेकिन जो है ये मुझे ये बिल्कुल हलवा करके दो, और इसमें से नमक डाल दो और ज़ीरे का बघार लगा दो। तो मेरे जो देवर हैं दोनों वो भी ऐसे ही खाते हैं सिंपल सा। अभी इसको टाइम लगेगा तो हम बना लेते हैं पकौड़े। अच्छा जी, तो अब प्रिपरेशन कर लेते हैं अपने पकौड़े बनाने की। सो इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल, इसी ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, ऐड कर लेते हैं अपने फुलके।
You want more? Yeah. Papa, tasty is it? Tasty is it? Hot. No, hot thing is it? Mama, hot thing is दीजिए बोलते हैं दीजिए दीजिए मम्मा खुद खिलाएंगे आप लोगों को आपके मामा I love you I love you too I love you मम्मा अगर आ और जी ये पकोड़े मेरे बच्चों ने ट्राई किए थे बहुत ही डिलीशियस लगे उन्होंने तो मतलब मैं बना रही थी और वो लोग आके बोल रहे थे मम्मा और चाहिए तो मतलब कि मेरे बच्चों को पसंद आ गया तो समझ लें कि भाई पास हो गई मैं या मेरे हस्बैंड को कोई चीज़ पसंद आ जाए या मेरे बच्चों को समझ लें कि मैं पास हो गई वेल आज सब तुम ज़रूर ट्राई करना मुझे बताना है और अभी यहाँ मैं प्रिपरेशन कर लेती हूँ दाल फ्राई की अब यहाँ पर प्रिपरेशन करने लगी हूँ दाल फ्राई की दाल फ्राई के लिए मैंने लिया है एक पैन उसमें ऐड किया ऑयल ऑयल में ऐड किया है ज़ीरा अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी चिली फ्लेक्स थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए ज़ीरा देने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे क्रश चिल्ली और इस टाइम पे मुझे बहुत देर हो चुकी थी 7 मिनट्स रह गए थे मेरे पास और हमिया जी कह रहे थे जल्दी जल्दी कर लो टाइम नहीं है 7 मिनट्स रह चुके हैं बस अब इसमें मैंने ऐड किया है चिली फ्लेक्स उसको थोड़ा सा मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी देन ऐड कर लूँगी जो दाल मैंने बॉयल करने के लिए रखी थी खड़ी खड़ी दाल बनती है बिल्कुल उसका बिल्कुल ना उसको पीसना नहीं है और दाल अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी कोई बात नहीं आप पी लीजिए बर्फ नहीं है क्या बर्फ तो नहीं रखी मैंने वो बीमार सब हो गए थे फिर मैंने कुछ भी नहीं रखा क्यूब्स में हाँ आइस क्यूब तो मैंने रखी थी सुने आप लेके जाइए बस के जमने कुछ यही होता है जब मैं काम कर रही होती तो मेरे मियाँ भी बच्चे भी सबके सब आई जाते हैं और कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे तो पता है कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ लेकिन फिर भी अब जो इनकी आदत है वो थोड़ी नहीं ख़त्म हो सकती ना चाहे बंदा जितना भी बोले बहरहाल ये तो हमारी खट्टी मीठी बात है और यहाँ रेडी हो चुकी है दाल फ्राई अब हम करने लगते हैं इफ्तार की बात है वो कोल्ड ड्रिंक भी थोड़ी है मैं भी तो लेकर नहीं बैठी कैसा बना है अच्छा बना आज के इफ्तार के साथ जो है मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर चैनल पे न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा विद बेल प्रेस ताकि न्यू आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके और आप सबको ज़रूर बताना है कमेंट में कि ये रेसिपी कैसी लगी जो मैंने बनाई और आप लोग बनाते हैं इस तरह या नहीं ये भी ज़रूर बताइएगा और अगर ज़रा सी भी आपको ये रेसिपी पसंद आई हो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें और इसी तरह से जो है पता लगता है कि यार आप लोग कितनी मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत तो माशाल्लाह सभी करते हैं और बस इसी वीडियो के साथ जो है मैं अपना आज का ये व्लॉग एंड करती हूँ फिर मिलूँगी आपसे एक नए व्लॉग के साथ अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़